डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि अपने शौक में, यानी कि जैसे मेरा शौक है गार्डनिंग, उसमें टेक्नोलॉजी को कैसे इन्वॉल्व करें, है ना। जैसे कि अगर मैं गार्डनिंग करती हूँ, अगर उसमें मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर दूँ तो मेरी गार्डनिंग और भी ईजी हो जाएगी और भी बेहतर हो जाएगी। आज मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बात करूँगी जिस ऐप को जानने से आप अपनी गार्डनिंग में सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। गार्डनिंग करते टाइम कोई भी पौधा हो, ठीक है, चाहे फूलों वाला हो, सब्जी वाला हो, कोई भी पौधा हो, उसके बारे में जानना, उसका सबसे पहले उसके नाम जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पौधे की हर इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। मगर उसके लिए सबसे पहले आप जब आप सर्च करोगे, आप इंटरनेट में ढूंढोगे, आपको लिखना नहीं आता, चलो आप बोल के भी ढूंढोगे, लेकिन उसके लिए भी तो आपको उसका नाम बताना पड़ेगा ना, तो उस नाम को कैसे पता करें, है ना। तो उसका जो ऐप है वो होता है गूगल लेंस। अब उस गूगल लेंस को कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। यूज़ करने के लिए अपने मेन स्क्रीन में जो मैंने सर्कल बनाया है वो प्ले स्टोर का ऐप है, उसको क्लिक करना है। ओके, तो प्ले स्टोर खुल जाएगा। अब वहाँ मैंने सर्कल बना के दिखाया है कि जो सर्च वाला ऑप्शन है वहाँ पर या तो लिखिए या फिर माइक में बोल दीजिए। जैसे ही आपने बोला, आपका गूगल लेंस खुल गया। अब मेरा डाउनलोडेड है इसलिए मुझे ओपन करना है, आप उसे इंस्टॉल या ओपन करिए। गूगल ऐप जैसे ही आप ओपन करेंगे खुल जाएगा गूगल लेंस का ऐप। वहाँ पर आप पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए, जो भी पिक्चर आपको चाहिए, नहीं तो आप कैमरे से भी खींच सकते हैं। बस जैसे ही आपने सेलेक्ट की या पिक्चर खींची, गूगल लेंस उसका जो है, जो भी रिज़ल्ट होगा मैचिंग, वो आपको दिखा देगा, उसकी सारी जानकारी उसमें गूगल लेंस में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ वेरी नाइस डे।